न्यू दक्षिण बाईपास पर खुदे गड्ढों ने एनएचएआई विभाग की पोल खोल दी है। गड्ढों की वजह से हाईवे पर आए दिन दुर्घटना होती रहती है, लेकिन जिम्मेदारों का इस ओर ध्यान नहीं है। न्यू दक्षिण बाईपास के महुआ कट के बाद गांव के पास हाईवे पर खुदे गड्ढों ने एनएचएआई की पोल खोल कर रख दी है। हाईवे पर गड्ढों की वजह से आए दिन हादसे होते हैं, लेकिन जिम्मेदारों का इस ओर ध्यान नहीं है। पूर्व आरएलडी प्रत्याशी महेश जाटव ने बताया कि 2015-2016 में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस रोड का उद्घाटन किया था। रोड पर ठेकेदार द्वारा घटिया सामान का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से रोड जगह जगह से खराब हो गया है। न्यू दक्षिण बाईपास पर आए दिन लोगों की मौत हो रही है। प्रत्याशी ने लोगों से इस दुर्घटना भरे रोड पर स्लो चलने की अपील की है। एक अन्य ने सरकार से रोड की तरफ ध्यान देने की अपील की है। मैं जिस जगह निवास करता हूँ, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी पर ककुआ बाद गांव से दक्षिणी बाईपास निकला है, जो यहाँ से जयपुर हाईवे को जोड़ता हुआ, जगनेर हाईवे को जोड़ता हुआ, भरतपुर अचनेरा हाईवे को जोड़ता हुआ रैपुरा जाट तक ये गया है। ये 15-16 में इसका उद्घाटन हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। 6-7 साल के अंदर ये रोड बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। इतनी घटिया जिस ठेकेदार ने कार्य किया है, बहुत ही घटिया कार्य हुआ है। इस रोड के अंदर जगह जगह जंपिंग आ गई है, जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और बारिश से कई जगह ये कट भी गया है। तो इस रोड पर चलने वाले सभी व्हीकल्स चलाने वाले लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि इस रोड पर 30-40 की स्पीड पर अपने वाहन को चलाएं। पता नहीं कहां पर किसी से दुर्घटना हो जाए। इस रोड पर आए दिन मौतें होती हैं। ये रोड मौतों का रोड बन गया है, हाईवे। यहां पर अक्सर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। ये दक्षिणी बाईपास को लेकर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, आए दिन मौतें हो रही हैं, क्या कहेंगे आप? ये दक्षिणी बाईपास आगरा का, ये इसका निर्माण 2015-16 में हुआ था और श्रीमान नितिन गडकरी जी ने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन एनएचएआई की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से जो भी है, इसमें काम अच्छी तरह से नहीं हुआ, जिसके कारण आज इसमें डंप और गड्ढे हो गए हैं बहुत सारे। आज आप देखें तो इस पर 50 की स्पीड से भी ज़्यादा चलोगे तो आपकी गाड़ी अनियंत्रित हो जाएगी और कहीं ना कहीं टकरा जाएगी। आए दिन रोज़ या एक या दो दिन में रोज़ाना मौतें यहाँ पर एक आम बात हो गई है। अभी पिछले 24 घंटों में भी दो से तीन मौतें हो चुकी हैं और ये रोज़ाना की बात है। तो इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए एनएचएआई को? सरकार से हमारी यही अपील है, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। एनएचएआई ने इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इन मौतों का कारण हम किसे बताएंगे? आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।